रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी किसी सोर्स से अगर कोई लाइट आ रही है तो वो किसी पॉइंट पर टकरा के वापस जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर यहाँ कोई सोर्स है एस, जैसे सन, वहाँ से अगर रोशनी आ रही है रेज, इनको बोलेंगे हम इंसिडेंट रेज। ठीक है, किसी पॉइंट पे टकराती हैं पी पर और वो वापस चली जाती हैं, उनका नाम होगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और एक हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ से, जो कि नॉर्मल होगा किसी सरफेस के, जो जिस पे टकराई उसके नॉर्मल होगा। ठीक है, इसका नाम होगा एन। अब ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के नॉर्मल नहीं है। अगर हम यहाँ से एंगल निकालेंगे थीटा वन, ये थीटा टू, थीटा वन क्या होगा, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। ठीक है, और थीटा टू रिफ्लेक्टेड एंगल एंगल। ठीक है, इस एंगल पर ये रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे और यहाँ से इंसिडेंट एंगल पर आएंगी। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सेकंड क्या होगा, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन दी सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है वो सभी एक ही पॉइंट पर लाई करें, एक ही सरफेस पर लाई करेंगी।